नोएडा में धारा 144 लागू हुआ, ये आपको बताते हैं किन चीजों पर रहेगी रोक। बता दें गौतम बुद्ध नगर में धारा 144 निषेधाज्ञा लागू की गई है। नोएडा पुलिस के मुताबिक 31 मार्च तक जिले में यह प्रतिबंध लागू रहेगा। इस दौरान किसी भी स्थान पर अब 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। वहीं अपर पुलिस उपायुक्त कानून एवं व्यवस्था कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर दिनेश कुमार सिंह की ओर से जारी आदेश जानकारी के मुताबिक गौतम बुद्ध नगर में धारा 144 लागू की गई है। बता दें मार्च माह में आने वाले त्योहारों होलिका दहन, होली, सबे बारात, नवरात्र और रामनवमी के पर्व को देखते हुए असामाजिक तत्वों द्वारा शांति भंग करने की आशंका होने के कारण कोरोना प्रोटोकॉल के दृष्टिकाल से जिले में धारा 144 के तहत सुरक्षा के दृष्टिगत दिनांक 1 मार्च 2023 से लेकर 31 मार्च 2023 तक निषेधाज्ञा लागू किया गया है। इसका उल्लंघन करने पर आरोपी के खिलाफ धारा 188 IPC के तहत कार्रवाई की जा सकती है। आपको बता दें धारा 144 लगने के बाद से इस दौरान अब किसी भी स्थान पर 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। तो वहीं 31 मार्च 2023 तक जुलूस निकालने पर भी रोक लगाई गई है। इसके साथ साथ पटाखे फोड़ना, लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करना, जुलूस निकालना और बिना अनुमति के सामाजिक समारोह पर भी रोक लगाई गई है। इसके साथ साथ सरकारी दफ्तरों के ऊपर और आसपास के ड्रोन से शूटिंग करने के लिए और सोशल मीडिया पर कोई भी गलत अफवाह फैलाए जाने के लिए शांति भंग ना हो सके, इन सब पर भी रोक लगाई गई है। इंडिया 24/7 लाइव टीवी की रिपोर्ट।